जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र कूट जी की। एक पिता के दो बेटे थे, राजसृष्टि, और दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने दोनों को बुलाया और एक एक लाख रुपए दिए और कहा कि मैं इस नगर से बाहर अक्सर दूर देशांतरों में जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ, कई बार मुझे विश्राम करने में बाधा आती है, तो लो ये एक एक लाख रुपए पकड़ो और नगर के दोनों ओर जितना बन सके कुछ घर बनवा लो ताकि मैं जरूरत पड़ने पर विश्राम कर सकूं। दोनों बेटे को एक एक लाख रुपया दिया। पहला बेटा बड़ा कैलकुलेटिव था, दिमाग लगाया, लाख रुपए में 100 मील तक घर बनाना है, कैसे बनाऊं? आज की महंगाई के ज़माने में तो कुछ हो नहीं सकता, फिर भी दिमाग लगाया और उसने हर 10 मील पर 10-10 हज़ार रुपये लगा कर एक एक झोपड़ी बना दी। 10 झोपड़ी बन गई। समय पूर्ण होने पर पिता ने दोनों को बुलाया, बोला क्या तुमने हमारा काम कर दिया? बेटों ने कहा हाँ पिताजी कर दिया। सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा कहाँ बनाया, क्या बनाया, चलो दिखाओ। दिखाया, पिता को प्रसन्नता नहीं हुई, बोले तुमने यही बनाया? बोले हाँ, लाख रुपये में इससे सस्ता और क्या हो सकता है। बोला बेटा तूने घर तो बनाया पर मेरे रहने लायक नहीं बनाया, इसमें रहना तो दूर, मैं तो इसमें घुस भी नहीं सकता, तुझे पता है मेरी रुचि क्या है, मेरी पसंद क्या है और मेरी व्यवस्था क्या है, तूने मुझे खुश करने लायक काम नहीं किया। दूसरे बेटे से पूछा बेटा तुमने मेरा काम कर लिया? बोले हाँ मैंने आपका काम कर लिया। बोले कितने घर बनाए? बोले मैंने एक भी घर नहीं बनाया। कितने घर बनाए? बोला मैंने एक भी घर नहीं बनाया। बोले क्यों? मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मेरा काम कैसे हो? बोला आपका काम हो गया, तूने किया क्या? बोला पिताजी इन दिनों में मैंने एक भी घर नहीं बनाया पर 100 मील तक जितने भी घर थे सबको अपना मित्र बना लिया, आज हर घर आपके लिए खुला है, आप चाहे जहाँ रह सकते हैं। आपने लाख रुपया मुझे दिया, मेरे 10 हज़ार भी खर्च नहीं हुए, लेकिन सब मित्र बन गए। पिता ने बेटे को गले से लगा लिया। तुम देखो तुम कहाँ हो, अपना समय शक्ति और संसाधन को घर बनाने में लगा रहे हो या मित्र बनाने में लगा रहे हो? यदि तुम पदार्थ की तरह भाग रहे हो तो समझना घर बना रहे हैं, और परमार्थ से तुम्हारा अनुराग है तो समझना मित्र बना रहे हो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पदार्थ तुम्हारे कितने काम आता है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर तुम्हारे द्वारा बनाए गए मित्र, तुम्हारा प्रेम संबंध जीवन भर काम आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। दुनिया के अनेक धनिकों के मुख से आखिरी में ये बात निकली है कि काश मैंने धन कमाने की जगह अपना मित्र बनाया होता तो स्थिति कुछ और होती। ये बात फोर्ड ने कही थी अपने जीवन के अंतिम कालों में कि मैंने अपना जीवन जितना पैसा कमाने में लगाया, यदि उतना पैसा उतना समय अपने मित्रों को बनाने में लगाया होता तो आज ज़्यादा काम में आता। मेरा पैसा मेरे लिए काम नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा प्रेम संबंध मेरे लिए बहुत काम का था। बात आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता यदि है तो स्नेह सौजन्य की है, प्रेम वात्सल्य की है। सब कुछ हो और हृदय में प्रेम न हो तो जीवन नीरस हो जाता है, रसहीन हो जाता है।
घर में 10 लोग हों और 200 के मध्य मनमुटाव हो तो कैसा लगता है? सब बैठे आजू बाजू में मुंह खुलाए, अच्छा लगता है क्या? सब कुछ होने के बाद भी अगर आपस में मनमुटाव है तो अच्छी अनुभूति नहीं होती, और कुछ ना हो और आपस में प्रेम हो तो सबका मन खिला रहता है। इसलिए कहा गया है, जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मशान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। पुराने जमाने में जो लुहार होते थे वो अपनी धौकनी चलाते थे, और धौकनी को चलाने के लिए आज जैसे मोटर के पंखों की व्यवस्था नहीं थी, एक चमड़े की मशक होती थी और उसको एक चेन से बार बार खींचते बंद करते तो उसकी पंपिंग होती थी और उससे लुहार की भट्टी सुलगती थी। तो वो पंपिंग ऐसी होती जैसे हार्ट बीट होती। तो कह दिया बहुत मार्के की बात कि जिस घर में प्रेम ना हो उस घर में सांस तो है पर प्राण नहीं है। जैसे लुहार की वो मशक जो उसकी धोखनी में होती है, वो हार्ट बीट जैसी वायु का संचार तो कर रही है पर निष्प्राण है। बात तो सच है, यदि मन में प्रेम ना हो, हृदय में प्रेम ना हो, तो संवादहीनता सा वातावरण है, और संवादहीनता और शमशान की वीरानगी में आखिर अंतर क्या है? आपस में संवाद होना चाहिए। सम्यक दर्शन के वात्सल अंग में हमें यही बात मिलती है। इसे हमें व्यापक संदर्भ में लेना है, घर परिवार के संदर्भ में भी और समाज के संदर्भ में भी। मैं 2 दिन में इसकी बात करूँगा। आज बात करता हूँ घर परिवार में प्रेम के पुष्प कैसे खिले। सब चाहते हैं प्रेम के पुष्प खिलाना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। चलिए 4 बातें करता हूँ। सबसे पहली बात सहयोग की। क्या करो? सहयोग। अगर परिवार में प्रेम को टिकाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करना सीखे। अगर आपके अंदर सहयोग की वृत्ति होगी तो आपके हृदय में प्रेम फलेगा, घर परिवार में प्रेम होगा। एक दूसरे को कोऑपरेट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज अगर आप घर में हैं और आपके सामने कोई समस्या है, उस घड़ी आपके घर के दूसरे सदस्य यदि आपकी उपेक्षा करते हैं तो आपके मन में क्या बीतती है? और यदि उस घड़ी में सहयोग की भावना से आकर खड़े होते हैं तो क्या असर पड़ता है, अंतर होता है? संत कहते हैं यदि तुम प्रेम पनपा करके चलना चाहते हो, अपनत्व का विस्तार करना चाहते हो तो सहयोग रखो, और जहां अपनत्व होगा वहां सहयोग हुए बिना रहेगा नहीं। जिनसे हमारा अपनत्व होता है वो यदि परेशानी में दिखता है, हमारा मन उसको सहयोग किए बिना नहीं रहता, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो। आजकल दिनों दिन अपनत्व घट रहा है, इसलिए सहयोग की भावनाएं भी संकुचित होते जा रही है। संत कहते हैं इस अपनत्व का विस्तार करो और सहयोगी बनने की प्रवृत्ति अपनाओ। सहयोग कैसा होना चाहिए? देखो पाँव में कांटा चुभता है, तुरंत माइंड मैसेज देता है, हाथ उस कांटे को निकालने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जब तक कांटा निकलता नहीं तब तक पूरा शरीर पाँव के साथ होता है। अनुभव है? कांटा चुभा पाँव में, मैसेज दिया माइंड ने, निकाला हाथ ने, लेकिन जब तक निकाला तब तक पूरा शरीर पाँव के साथ। क्यों? क्योंकि माइंड कहता है शरीर मेरा है, हाथ कहता है शरीर मेरा है, पाँव मेरा है, और शरीर का रोम रोम कहता है पाँव मेरा है, इसलिए अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। कहना पड़ता है क्या? ऐसे यदि तुम्हारा घर परिवार में एक दूसरे के साथ सहयोग देने का मनोभाव रहे
तो हर वक्त पर लोग अपने आप खड़े रहेंगे अपनत्व होने पर, कुछ सोचने और कहने जैसी बात नहीं होगी। लेकिन आजकल अपनों से सहयोग कम, उपेक्षा ज्यादा मिलती है, इसने हमारे जीवन को नीरस कर दिया। लोगों का अधिकतर अनुभव यह बताता है कि खासकर उनसे जिनसे कुछ अपेक्षा थी सहयोग की, उनसे उपेक्षा होती है तो और तकलीफ होती है, कोई पूछता ही नहीं। लेकिन संत कहते हैं नहीं, ऐसा करके तुम अपने जीवन को नीरस बना रहे हो। बी कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की आदत डालिए। और यदि आप घर के सदस्यों को कोऑपरेट करेंगे तभी बाहर से कोऑपरेट कर पाएंगे। आपका कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। देखो सहयोग कैसा होता है, दो उदाहरण आपको दे रहा हूं। आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, सहयोग की भावना कैसे, छोटे भाई की मृत्यु हो गई, 45 साल की उम्र में छोटे भाई की मृत्यु हुई, 42 साल की उसकी बहू, परिवार में एक बड़ा आघात। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने यानी जेठानी ने अपने पति से कहा कि हमारी छोटी बहन बहुत संकट में है। उसने इस भरी जवानी में अपने पति को खोया है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। पति ने कहा बोल, मैं तो ये मानता हूं कि सब उसका है, हमने अपना पराया का कभी भेद किया नहीं, और तू जो बोल मैं वैसा सहयोग देने के लिए तैयार हूं। तू जैसा बोले मैं वैसा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूं कि उस बहन ने पति को खोने से 42 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य ले लिया, मैं सोचती हूँ मेरी 50 साल की उम्र हो गई, हम उसका सहयोग करें और हम लोग भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लें। ये दृष्टिकोण, सामने वाला अभिभूत हुए बिना रहेगा? सोचो, इतना उच्च सोच उसी मनुष्य के अंतर में प्रकट हो सकता है जिसके भीतर अध्यात्म का प्रवाह हो। दूसरी घटना बताता हूं, कई बार मैंने अपने प्रवचनों में से बताया लेकिन आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। दो भाई अलग अलग शहरों में रहते हैं, छोटे भाई को व्यापार में कुछ बड़ा नुकसान हो गया और लगभग 2.5 करोड़ की देनदारी, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा की। उस देनदारी के कारण छोटा भाई बड़ा परेशान, हैरान परेशान, इधर उधर मुंह छुपाता घूम रहा है, किसी को बताने की भी हिम्मत उसकी नहीं हुई। बड़े भाई को किसी और माध्यम से पता चला, उसने अपनी धर्मपत्नी को बताया कि छोटे भाई ने इस तरह का नुकसान उठा लिया है, अपने को क्या करना चाहिए। उसकी धर्मपत्नी ने कहा तत्क्षण आपको वहाँ चलना चाहिए और इस घड़ी में उनका सहयोग करना चाहिए, उन्हें संकट से निकालना चाहिए। अपने पास सब कुछ है और यदि अभी हमने उसका उपयोग नहीं किया तो वो किस अर्थ का, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। पति ने कहा यही मैं सोच रहा हूँ। उसी दिन रात की ट्रेन से पति पत्नी दोनों बैठे, बिना सूचना के छोटे भाई के घर अचानक आ पहुँचे। भैया भाभी को अकस्मात आया देखकर वो भौचक्क रह गया। घर पहुँचने के बाद स्नान दान पूजन पाठ आदि करने के उपरांत, पूजन पाठ से निवृत्त होने के बाद खाना पीना करके उसने छोटे भाई को बुलाया और पूछा कि भाई मैंने कुछ सुन रखा है, क्या मामला है? पहले तो टाल मटोल करता रहा,
झूठ बोलने लगा, नहीं कुछ नहीं भैया, सब कुछ ठीक है, सब नियंत्रण में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं। बड़े भाई ने कहा नहीं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा, जो हकीकत है मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा, और मैं आया हूँ इसको निपटाने के ख्याल से। अंततः छोटा भाई जो वास्तविकता था, सब वास्तविकता थी, प्रकट किया। उसने कहा ठीक, अब ये लायबिलिटी तेरी नहीं मेरी है, मैं चुकाऊंगा, पर एक शर्त है, न तू सामने आएगा और न दोबारा कभी ऐसा कृत्य करेगा। उसने शेयर बाजार में नुकसान कर लिया था। पहले संकल्प ले कि मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बाकी मैं करता हूं। बोला भैया आप जैसा कहोगे। आंखों में पानी, पति पत्नी दोनों के। उसने सारे लेनदारों को बुलाया और कहा ठीक है, मेरे भाई से इसका नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति मैं कर रहा हूं, अब आपको भाई से इसके लिए कुछ नहीं लेना, मैं दे रहा हूं। और आप सबसे कहना है कि एक बार की पूर्ति मैं कर रहा हूं, दोबारा अगर से कुछ घटना हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इधर आया, सबके पैसे चुकाने की व्यवस्था की और भाई को नया व्यापार करने के लिए अलग से पूंजी दी और कहा बेटा एक बार गलत हो गया भैया, एक बार गलती हो गई। गलती करके मनुष्य यदि खड़ा होना चाहे तो फिर खड़ा हो सकता है, तुम खड़े हो और अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं तुमसे अपेक्षा रखता हूँ, अपने नए सिरे से काम शुरू करो। और दो चार दिन वहाँ रुक करके भाई को सेटल करके आ गया। आज उसके हृदय में अपने भाई के प्रति जो सम्मान की भावना है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और ये बात दोनों पति पत्नी ने आके मुझे सुनाई और वहाँ से करके सीधे मेरे पास आए। उनने मना कर दिया, नहीं तो ये तो नाम लेने का मन होता ऐसा उदाहरण है, पर वो कहते महाराज नाम लेंगे तो हमारे छोटे भाई की प्रतिष्ठा को थोड़ा आघात होगा, नहीं स्थान भी नहीं बताऊंगा, वो सब लोग अनुमान लगा लेते हैं, लाइव चलता है लेकिन वो सुनते हैं। ये घटना है, ये है संयोग। मैं तुमसे सवाल करता हूं, ऐसी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? आजकल तो ऐसा है कि भाई कर्जदार है, दूसरा भाई करोड़पति है, तो बात करने से इनकार कर देता है। मैं एक ऐसे भाई को भी जानता हूँ जो करोड़पति है और जिसका दूसरा भाई आज भी मिठिया है, साथी ब्याह में कारीगरी करता है, अत्यंत साधारण सी स्थिति है, और उस भाई को सहयोग देने के लिए भाई ने 2 रुपया भी नहीं दिया और वो भी स्वाभिमानी, और उसने अपनी वैसी स्थिति में अपने बेटे को IIT करा करके आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिला दिया। समय का प्रयोग, लेकिन जहां हमें सहयोग देने की भावना होनी चाहिए वहां लोग कोताही करते हैं। सहयोग बना करके रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, सम्मान देना सीखिए, एक दूसरे का सम्मान। प्रायः लोग घरों में एक दूसरे के सम्मान में कोताही कर देते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। छोटे बहुमान बड़े को बहुमान दे और बड़े छोटों को वात्सल्य दे, छोटे की योग्यता का सम्मान बड़े करे और बड़े की योग्यता का सम्मान छोटे करे, और सम्मान देने की आदत डालनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ी भरी आंखों से कहा, समाज के बड़े एक्टिव कार्यकर्ता और लोगों में बड़े चहेते, एक से एक काम करे, व्यापार भी बहुत अच्छा करे, धर्म और समाज का काम भी बहुत अच्छा करे, पर एक दिन एकांत में आकर मुझसे अपनी व्यथा मेरे प्रवचन के बाद आकर के उसने प्रकट की। बोले महाराज इतना सब कुछ करता हूँ, सारा संसार मेरी प्रशंसा करता है, पर आज तक मेरे घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की, कभी मेरी प्रशंसा नहीं, बल्कि क्रिटिसाइज और हो जाती है, ये पीड़ा थी उसकी। मतलब महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में तो लोग मेरा मूल्यांकन करें लेकिन कोई मूल्यांकन नहीं, मेरे कृत्यों से घर वालों की प्रशंसा हो जाती है, वो उनको हजम हो जाती है, लेकिन घर वालों ने आज तक कभी मेरी प्रशंसा की बात सोची ही नहीं। हो सकता है ऐसा अनुभव आपके साथ भी रहा होगा।
लेकिन ये अनुभव है तो मन में खटास होगी, और यदि एक दूसरे का सम्मान घर में होता है तो कभी भी खटास की बात नहीं होगी, मन में मिठास बनी रहेगी। मिठास को बनाए रखना चाहते हो तो एक दूसरे को सम्मान देना सीखे, बहुमान देना सीखे, और कभी कोई अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करने की आदत डालिए। आप करते हैं प्रशंसा? बहुत कम। आलोचना करने वाले लोग मिल जाएंगे, प्रशंसा करने वाले लोग विरल मिलते हैं। एप्रिशिएशन होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं। लोग आज खूब खूब आलोचना कर दे, तुमने ये किया, ये कम किया, वो कम किया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ अच्छा किया उसका भी तो कहो। खींचातानी बहुत ज़्यादा होती है, इससे मनमुटाव होता है, इससे ईर्ष्या बढ़ती है, इससे विद्वेष पनपता है, और जहाँ ईर्ष्या विद्वेष मनमुटाव की स्थिति होगी वहाँ प्रेम प्रकट कैसे होगा? सच्चे मन से प्रशंसा करो, सच्ची प्रशंसा करो। कुछ लोग दूसरे प्रकार के होते हैं, मुंह पर तो प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे आलोचना गालियाँ देने लगते हैं। मैं वैसी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। निश्चल मन से एक दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डालिए। रोज भोजन करते हो, पत्नी तुम्हारी रुचि के अनुकूल मन माफिक भोजन तुम्हें कराती है, तुम्हारा अनुभव ये बताता होगा कि कभी सब्जी में कोई कमी रह गई हो या भोजन में कोई कसर रह गई हो तो तुमने जरूर कहा होगा आज कैसा भोजन बनाया। लेकिन कभी ये कहने का मन हुआ तुम रोज कितना अच्छा भोजन कराती हो, मेरी रुचि का कितना ध्यान रखती हो, कितना बढ़िया भोजन है, तुम्हारे जैसे भोजन का स्वाद तो मैंने आज तक लिया ही नहीं। कभी कहा? कभी कहा? ये एक उदाहरण है, केवल इधर की नहीं इधर की भी है, दोनों तरफ लगा लेना। जो जो काम करता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों की तरफ देखो। तुमने अगर कुछ कहा वो काम नहीं हुआ, एकदम चढ़ बैठते हो, सामने वाला थका हारा अपने दुकान से आया, आप तो कुछ सुनते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं, कोई काम के ही नहीं, हमारा ख्याल ही नहीं, हम क्या क्या करके थक गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं, न जाने क्या क्या, वो तुम ही लोग जानो, एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। लेकिन ये कभी कहने को नहीं आता कि आपने आप हमारी भावनाओं का कितना ख्याल रखते हैं, कितना सम्मान करते हैं, आज तक हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट अधूरी नहीं रही, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, आपने मेरे रिक्वायरमेंट की पूर्ति की है। कभी मुंह से ऐसा निकलता है? बोलो, मुंह से निकलता है? लोग उल्टा करते हैं। सम्मान देने का भाव होना चाहिए, प्रशंसा करने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सहयोग के साथ सम्मान करेंगे, तो प्रेम अपने आप पनपेगा और आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रशंसा के भाव होंगे, आप एक दूसरे को धन्यवाद देने की आदत डालोगे। अब धन्यवाद नहीं, फरियाद ज़्यादा। कोई भी काम हो अच्छा किया उसके लिए तो कोई नहीं बोलेगा, थोड़ी कसर हो गई तो चढ़ बैठेंगे। एक बार की बात, एक की धर्मपत्नी बाहर से आई, मायके से आई, घर से 90 किलोमीटर की दूरी थी रेलवे स्टेशन की। पति खुद गाड़ी ड्राइव करके आया, पत्नी आई, सामान उठाया, कुली भी मिला, गाड़ी देखी, पत्नी तमक गई, आप ख्याल नहीं रखते छोटी गाड़ी लेकर के आए, बड़ी गाड़ी लेकर के नहीं आए, आपको पता है मैं कितना सामान लेकर के आई हूँ मायके से, आपको ये भी पता नहीं क्या? चढ़ बैठी। पति भी पति था, उसने एक लफ्ज नहीं बोला, गाड़ी उठाई, स्टार्ट की, लौट आया, कहा टैक्सी करके आ जाना, मायके से ज़्यादा सामान लेकर आई हो, टैक्सी करके आ जाना। तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ? आज ड्राइवर नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था, मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ। तुम्हें ये नहीं लगा कि ये आए हैं खुद गाड़ी लेकर के, जिसकी आशा और अपेक्षा नहीं थी? मैं इस बात को लेकर के प्रसन्नता प्रकट करूँ, मुझे दिख रहा है मेरे मायके के वो बंडल। ये नहीं सोची
कि आखिर बड़ी गाड़ी नहीं लाए तो कोई कारण होगा, अब बड़ी गाड़ी खराब है तो लाते कैसे, और तुमने कहा तो नहीं कि मेरे पास सामान ज़्यादा है लेकर आना। लेकिन उसने भी अच्छी नसीहत दी, बुद्धि ठिकाने लग गई, गाड़ी ले आया, टैक्सी करके आ जाना। तो ऐसे ही फिर सुधर भी जाते हैं। लेकिन कहने उसने आकर के मुझे बताया, बोला महाराज आज मैंने ऐसा किया है, गलती हो तो आप माफ़ करना। लेकिन कई बार होता है ना, अपने मन से पूछो, शिकायतें जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ धन्यवाद देने की आदत होती है वहाँ द्वेष नहीं होता। अपनी फरियाद को, अपनी शिकायत को धन्यवाद में बदलने की आदत डालो। और कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ी सी सोच में परिवर्तन लाना है। यदि तुम्हारी सोच में थोड़ी सी लोच आ जाए, थोड़ा परिवर्तन आ जाए, जीवन चमत्कृत हो जाए। लेकिन मनुष्य अपने अहम प्रेरित सोच के कारण केवल अपनी सोचता है, औरों की नहीं। तुम अपने मन से पूछो, जितना सम्मान पाना चाहते हो उतना सम्मान देने का भाव आता है? बोलो, सम्मान पाना तो सब चाहते कि नहीं चाहते? तुम चाहते हो लोग मेरा मान रखे, अच्छी बात है, मैं इससे असहमत नहीं हूं, पर तुम लोगों का मान रखना कितना चाहते हो? मान पाने की चाहत रखो तो उससे ज्यादा मान देने की आदत बनाओ। कल मुझे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट का एक अंश जब लोगों ने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने सुना, बहुत अच्छी बात, और जिस व्यक्ति की ऐसी सोच होगी वही महान बनता है। उन्होंने लिखा, बोला, हम दो थे तो भी अपनी मर्यादा को नहीं खोए, और अब दोबारा आए हैं तो नम्रता को नहीं छोड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी सोच है, एक उदाहरण है हमारे लिए। दो होने पर भी हम बौखलाए नहीं, अपनी मर्यादा को खोए नहीं, हताश नहीं हुए, और आज दोबारा आए हैं तो हम अपनी नम्रता को नहीं खोएंगे, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, अब अभिमान में मत्त नहीं होंगे। मनुष्य को यही चाहिए, और यही हमारी संस्कृति का दर्शन है। विनम्रता मनुष्य के जीवन में भरी रहनी चाहिए। तुम जितना मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, उतना ही विनम्र बनने की आदत डालो, क्योंकि ऊंचाई हमेशा गहराई सापेक्ष होती है। तुम जितने नम्र बनोगे उतने ऊंचे उठोगे। तो सम्मान करना सीखे, सम्मान करे। तीसरी बात, समादर, भावनाओं का आदर करना सीखे। अगर आप घर परिवार में रहने वाले लोगों के भावनाओं को कुचलना शुरू कर दोगे तो परिवार कभी नहीं चलेगा। परिवार प्रेम से चलता है, प्रेम भावनाओं से पनपता है, और भावनाएं तभी सुरक्षित होती है जब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होता है, आदर होता है। आप देखिए भावनाओं का आदर कितना करते हो। यदि मैं पति हूँ तो पत्नी कुछ भी कहे, मैंने हुकुम चला दिया, जो मुझे कहना है सो कह दिया, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, मैं सुनूंगा ही नहीं। कि ऐसे अड़ियल पति भी होते। पिता हूँ, क्या बोल रहा, ऐसा नहीं है? हाँ, होता है कि नहीं होता? हाँ, अब जो भारी पड़ जाए, कहीं अड़ियल पति होती तो कहीं अड़ियल पत्नी मिल जाती है। पिता हो तो इतने जिद्दी, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ये देखना ही नहीं कि औरों की भावनाएं क्या कह रही हैं, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके कारण क्या होता, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटन होती है, और जहां घुटन होगी वहां प्रेम कभी नहीं पनप सकता। अंदर से लोग टूट जाते हैं, कई लोग तो मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं।
या फिर आगे चल करके विद्रोही और बगावती बन जाते हैं, अपना अलग झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं। पिता पुत्र के बीच प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए, सास बहू के बीच प्रेम होना चाहिए, भाई भाई के बीच प्रेम होना चाहिए, घर के हर परिवार के हर सदस्य के मध्य प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम तभी पनपेगा जब एक दूसरे की भावनाओं का आदर होगा। भावनाओं का आदर, देखिए भावनाओं का आदर कैसा होता। 1995 की बात है, हम सागर के पास राहतगढ़ में थे, रविवार का दिन था। सागर से एक डॉक्टर परिवार आया, आते आते उनको 11 बज गए, बैठे और आने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, महाराज आज सुबह से आने की इच्छा थी, परिवार सहित आहार देने की इच्छा थी, लेकिन महाराज आज एक घटना घटी और आपके प्रवचन की बात याद आई, इसलिए हम लेट हो गए। हमने कहा, भाई कौन सी घटना घट गई, मेरे प्रवचन की बात से तुम लेट कैसे हुए? बोले, महाराज ये मेरी बेटी है, 10th का बोर्ड है इसका, एग्जाम पास में है, जब हम लोगों के आने का कार्यक्रम हुआ तो इसने कहा हमें भी चलना है, पापा मैं भी चलना चाहती हूँ। मैंने कहा, नहीं तेरा एग्जाम है, तुझे जाने की जरूरत नहीं, तू पढ़ाई कर, हम लोग सुबह से शाम तक रहेंगे, पूरा दिन वेस्ट होगा, तुम्हें नहीं आना। पापा मुझे ले चलो तो मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा उत्साह अच्छा होगा, मैंने ऐसे भी कोर्स कंप्लीट कर दिया, प्लीज आप ले जा। कह दिया ना, बिटिया ने एक दफे और कहा, पापा प्लीज। पर पिता तो पिता थे, बोले, महाराज मैंने एकदम ठेठ शब्दों में मना कर दिया, नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम यहीं रहो, तुम्हें एग्जाम के बाद देखेंगे। वो एकदम मायूस सी हो गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया, मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा घूमते रहा और आपकी बात याद आई जो आपने कभी कहा था कि बच्चों की भावनाओं की कद्र करना चाहिए। महाराज 15 किलोमीटर तक मैं चला पर दिमाग में यही बात चक्कर काटते रही, पापा मुझे ले चलो, अगर मैं दर्शन करूंगी तो मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, अगर मैं दर्शन कर लूंगी तो मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। महाराज जी मुझसे रहा नहीं गया, 15 किलोमीटर चलने के बाद मैंने गाड़ी को रिवर्स लाए और रिवर्स ला करके फिर जैसे ही वापस लौटा, बेटी पढ़ने में लगी थी, मैंने कहा बेटी चलो। महाराज उस समय बेटी के अंदर जो खुशी हुई उसके लिए मैं क्या कहूँ, बेटियाँ वहीं उसकी आंखों में आंसू आ रहा है, बोले लिपट गई, पापा आप कितने अच्छे पापा हो, महाराज मैं लेकर आया हूँ, आप आशीर्वाद दे और इसकी पढ़ाई अच्छी हो। यह है भावना का ख्याल। पूछो अपने मन से, भावनाओं की कद्र करते हो या कुचल देते हो? बोलो, मेरी भावना की पूर्ति होनी चाहिए, सामने वाले की भावनाओं से कोई लेने देना नहीं, नहीं। भावनाओं का आदर करना सीखिए, आदर कीजिए, एक दूसरे को आदर दीजिए, आप देखिए जीवन में कैसी प्रेम की धार फूटती है। आजकल तो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बस, तो फिर देख ही रहे हैं लोगों के एक दूसरे के साथ के संबंध कितने विकृत हो गए, बल्कि अब संबंध नहीं है, संपर्क रह गया। संपर्क और संबंध में अंतर जानते हो? हाँ, संपर्क क्या है और संबंध क्या है? संबंध होता है दूध और पानी जैसा, पानी दूध में घुल जाता है और दूध पानी में घुल मिल जाता है ना, दूध पानी को मिलाओ दोनों एक में एक हो जाते हैं। और संपर्क होता है तेल और पानी जैसा, पानी में तेल डालो तो तेल ऊपर ही ऊपर अतराता है, या तेल में पानी डालो तो तेल उसके ऊपर चढ़ जाता है, अलग है, एक जगह है पर एक नहीं है, आजू बाजू में बैठे हैं फिर भी दोनों का मन अलग अलग है,
पता एक है पर एक दूसरे को एक दूसरों का अता पता नहीं है। देखो तुम्हारा क्या हाल है, संपर्क है या संबंध? संपर्क होगा तो साथ रहोगे पर एक दूसरे से मतलब नहीं होगा, और संबंध होगा तो साथ रहोगे ही नहीं साथ निभाओगे भी, जैसे दूध पानी निभाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, पानी दूध के पास आया और निवेदन किया, भैया मेरा कोई मूल्य नहीं, तुम्हारा बड़ा मूल्य है, यदि मुझे थोड़ा स्थान दे दो तो बड़ी कृपा होगी। दूध ने कहा कोई बात नहीं, आओ हम लोग एक चकात घुल मिल के रह जाएंगे। और दूध ने पानी को बुलाया, पानी दूध में मिला, दूध ने पानी को अपने में मिलाया, पानी अपने आप को दूध में मिला दिया। पर क्या हुआ, हलवाई ने दूध को तपाना शुरू किया, जैसे ही दूध तपने लगा पानी ने सोचा जिसने मुझे शरण दिया वो मेरे रहते जले, ये कैसे होगा, पहले मैं जलूँगा बाद में दूध। और पानी जलने लगा, जैसे ही पानी जलने लगा दूध ने सोचा अरे जिसको मैंने शरण दिया मेरे रहते हुए जले, वे कैसे, ये कैसे होगा, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है और ये आग पानी को जला रही है, मेरे साथी को जला रही है, मैं इस आग को बुझा के छोड़ूंगा। और ये सोचकर दूध उबलने लगा, दूध उफनने लगा कि अभी मैं आग को बुझाता हूं। और जैसे ही दूध में उफान आया, हलवाई की नजर पड़ी, एक चुल्लू पानी डाला, दूध ने कहा मेरा भाई ठीक है, शांत हो गया, समझ गए। लेकिन जब पानी तेल के पास गया, तेल ने बेरुखी से पानी को बुला लिया और ऐंठ कर उसके सिर पर बैठ गया, बाद में जब तेल जलाया गया, दिया जलाया गया, तो तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं हुआ। अपने आप को देखो, तुम्हारा संपर्क है या संबंध है? साथ रहना संपर्क है और साथ निभाना संबंध है। साथ रहने की जगह साथ निभाने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए, तो प्रेम पनपेगा, सहयोग करे, सम्मान करे, समादर करे और क्षमा मांगने की आदत डाले। क्या करें? क्षमा मांगने और करने की आदत डालें। यदि कोई गलती हो समझौता करो, क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा मांगो। किसी से गलती हो तुरंत क्षमा करो। आप लोग सामान्य जीवन में तो थोड़ी सी चूक होती है तुरंत सॉरी कह देते हो, कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलते बोलते अगर वाक्य कुछ का कुछ निकल जाता है तुरंत कहते हैं माफ करे, कहते हैं। लेकिन घर परिवार में यदि तुमसे कोई गलती होती है और सामने वाला तुमसे छोटा है, कभी इस बात का एहसास होता है कि मैंने गलती की माफ करो? और सामने वाले ने कभी गलती की और वो कहता है कि मैंने गलती कर दी तो मुझे माफ करो? क्षमा करने की आदत नहीं, क्षमा मांगने की आदत नहीं, तो मैत्री और प्रेम पनपेगा कैसे? मन में गांठ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो तुरंत क्षमा मांगो, क्षमा करो, दिल से क्षमा मांगो, दिल से क्षमा करो। वहां ईगो आड़े आ जाता, अरे मैं क्षमा मांगूंगा तो कैसे होगा, मैं छोटा बन जाऊंगा। लोग भी कैसे हैं, खोटा बनने को राजी हैं, छोटा बनने को राजी नहीं। खोटा बन जाने को राजी, छोटा बनने को राजी क्यों नहीं? छोटा बन जाओ, खरे रहोगे। हमारे साथ कभी ऐसी बात आए तुरंत क्षमा, हाँ भाई क्षमा, माफी मांगो, माफी करो। उसमें कोई शर्त नहीं, कोई संकोच नहीं, बस ठीक है मैंने गलती की तो मेरी गलती है, तो वो मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। यदि ये स्वीकार्यता आ जाए तो घर परिवार में एक अलग ही रौनक हो। आज जहां रौनक होनी चाहिए वहां रोना दिखता है, लोग रोनी सी सूरत लिए बैठे रहते हैं, करोड़पति अरबपति होने के बाद भी अंदर से इतना टेंशन और प्रेशर रहता है कि वह सब कुछ अर्थहीन दिखने लगता है। किस काम की है दौलत, किस अर्थ की है संपत्ति, ये सोचने की जरूरत है।
तो इन पर आप विचार करें और अपने जीवन को उसी दिशा में ढालने की कोशिश करें, तो घर परिवार में प्रेम वात्सल्य ऐसा होगा कि लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होंगे, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार होंगे। हमें वो कोशिश करनी चाहिए और वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसे ही अपने जीवन की पूंजी मान करके चलना चाहिए, तब हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने सामाजिक जीवन में वात्सल्य को किस तरह से अभिव्यक्त करें, इसकी चर्चा आप सबसे कल करूँगा। अभी महाराज श्री के मुख से मंगल भावना आप सबको सुनने को मिलेगा। बंधुओं, आने वाले दिनों में जो भावना योग की बात आप सबके बीच की गई है, यद्यपि उसके लिए जितने स्थान थे वो पूरे हो गए, पर वे लोग जो अभी नहीं आ पा रहे हैं वो हताश ना हो। आने वाले दिनों में भावना योग का प्रवर्तन होता रहेगा। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है कि उसे आपने आत्मसात कर लिया तो तय मान करके चलिएगा, आपके मन में हर पल पवित्रता बनी रहेगी, आपका तन स्वस्थ रहेगा, मन मस्त रहेगा, आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ये हमारे जीवन में एक निखार उत्पन्न करेगी। हमें चाहिए धर्म के इस व्यवहारिक रूप को आत्मसात करें, इसके विषय में सोचे समझे और कुछ ऐसा प्रैक्टिस करें जो हमारे जीवन में स्थायी बदलाव ला सके और हम अपने जीवन में ठहराव घटित कर सके। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय।